हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में आज क्या खास है आइए दिखाता हूं। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 मैं ओपन कर रहा हूं और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक कर दीजिएगा। क्या बताने वाला हूं आज हम देखेंगे क्वेरी कैसे लगाएंगे और 2 मिनट में क्वेरी लगा के दिखाऊंगा। देखिए यहां पर आ गए, अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल 1 ही रहने देते हैं और यहां पर पहला नंबर हम एंटर करवाएंगे 1, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं नम 2, ठीक है। तो ये हो गया नम 1 और नम 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप टेक्स्ट के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहां पे नंबर रख लीजिए और यहां पे नंबर रख लीजिए, बस ये करना है आपको। और अगर आप जोड़ना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यहां पे और भी नंबर्स ले सकते हैं। तो ये नम 3 कर दिया। चलिए 3 नंबर की बात करते हैं। अब हमको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे टोटल मैं कर देता हूं टोटल, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी रखेंगे नंबर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, नंबर डेटा टाइप। और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे ये यस कर दीजिएगा और बस यहां पे नंबर्स फिल कर दीजिए। जैसे यहां पे 3, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां पर 66, 77 और 33 को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां पर आते हैं तो 3, 5, 5 यानी 55 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको भी मल्टीप्लाई करना है यहां पे लिख दीजिए और यहां से जाके क्रिएट पे जाके और क्वेरी डिजाइन पे जाके और इसको ऐड करवा लीजिए। इसमें ऐड करवा लिया, ये सारे फील्ड्स में से हमें आईडी चाहिए नहीं, नम 1 चाहिए, नम 2 चाहिए और नम 3 चाहिए और टोटल चाहिए। तो बस इतना ही लेकर के और यहां पर आपको एक बार कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बना करके नम 1 मल्टीप्लाई बाई नम 2, अब ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई नम 3 करना है। इस तरीके से आप क्वेरी लगा सकते हैं। अब ये हो गया, आप यहां से क्लिक कर दीजिए। देखिए यहां पर क्वेरी आपकी बन करके तैयार, देख सकते हैं नम 1, नम 2, नम 3 जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे क्लिक नहीं किया था, तो इस वजह से ये नहीं आ रहा है। बस हो गया काम, अब ये भी आएगा। तो इसको मैं क्वेरी को सेव कर लेता हूं एक बार, तो ये क्वेरी 1 के ही नाम से सेव कर लेता हूं और अब इस क्वेरी को क्लोज करके देन ओपन करता हूं यहां से। तो देखेंगे सबका टोटल होता हुआ नजर आएगा।